और अब रायपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जारी है आज, और ऐसे में रायपुर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू हो चुका है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस की तरफ से ये सत्याग्रह किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ये पूरे देश भर में आज इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है, और मौन सत्याग्रह आज कांग्रेस देश भर में जगह जगह पर कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की तरफ से मौन सत्याग्रह शुरू हो चुका है। बता दें कि और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी है कुमारी शैलजा, वो भी यहां पर पहुंची हुई है इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। और सभी यहां पर राहुल गांधी को जो अयोग्य करार दिया गया, उनकी सदस्यता गई, उसका विरोध जता रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सत्याग्रह स्थल जहां पर चल रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता नेता शामिल हो रहे हैं इसमें, सूबे के जो मुखिया हैं और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हैं। कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, राहुल गांधी के प्रति जो कोर्ट ने रवैया अपनाया हुआ है उसको देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया था कि पूरे भारतवर्ष में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज रायपुर छत्तीसगढ़ में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ साथ अध्यक्ष मोहन मरकाम, सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सारे मंत्रीगण आज मंच पर उपस्थित है। देखिए, राहुल गांधी के प्रति ये जो धरना है वो AICC ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए मौन सत्याग्रह का आयोजन किया है। रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रदेश के तमाम नेता इस सत्याग्रह में शामिल हो चुके हैं। आयोजन के अनुसार महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यह मौन प्रदर्शन होगा। इसमें कुमारी शैलजा भी शामिल हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर बैठे हुए हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव है, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत है। देखिए, पूरा मामला है गुजरात हाईकोर्ट से मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोष सिद्ध पर रोक लगाने की जो अनुरोध हाईकोर्ट में किया गया था, हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। ये मौन सत्याग्रह 5 बजे तक चलेगा। मैं पंकज विश्वकर्मा खबर फास्ट के लिए, साथी कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ।